अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइस अप। आज स्पाइस अप किचन में मैं एक बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ एक डेजर्ट शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है और खाने में भी बहुत डिलीशियस है, लेकिन बनाने में बहुत सिंपल है, बहुत इजीली बन जाता है। बस इसकी प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए थोड़ा सा आपको एहतियात की ज़रूरत होती है। किस तरह से मैंने ये बनाई है, आइए शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगे, तब हम इसमें 1/2 कप के करीब जो है वो शुगर शामिल कर देंगे। घर में जो नॉर्मल चीनी होती है वही मैंने यहाँ पे इसमें शामिल की है और इसको इसमें अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। अब दूध को सही से बॉयल होने रख देंगे। अब यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 चम्मच के करीब मैंगो फ्लेवर्ड कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और इस 1 लीटर दूध में से मैंने 100 ml के करीब दूध अलग कर लिया था और उसमें मैंने 6 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके अब यहाँ कस्टर्ड में शामिल कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और कंटिन्यूसली विस्क चलाते रहेंगे। अब जैसे ही इसमें बबल्स बनने लगे, ये गाढ़ा हो जाए, तब हमने चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम ठंडा करने रखेंगे। तब तक हम अपनी असेंबलिंग शुरू कर देंगे। अपनी डिश में मैं यहाँ पे तो पहले प्लेन केक सेट करूँगी। ये केक हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्लेन केक की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो 5 मिनट रखने हैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मैंने 5 टेबलस्पून के करीब भर के क्रीम शामिल कर दी है और उसको कस्टर्ड में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड बहुत गर्म हो तब आप क्रीम को मिक्स नहीं करें और ना ही बहुत ठंडे में, जब थोड़ा सा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तब आपने यहाँ शामिल करना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी फ्रूट्स या नट्स शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ किशमिश इस्तेमाल की है क्योंकि मैं जो इसकी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ उसमें हम इसके टॉपिंग पे काफ़ी फ्रूट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड प्रिपेयर करके रखा था उसको पोर कर दिया है और इसको स्पैचुला की हेल्प से इवन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी जेलेटिन प्रिपेयर करेंगे। 2 पैकेट इसके लिए हमें ब्लूबेरी फ्लेवर जेलेटिन चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल जेलेटिन लेके उसमें ब्लू कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी मार्ट में आपको इजीली मिल जाएगी। बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2 मिनट के लिए इसको रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको आप अपने कस्टर्ड के ऊपर पोर कर देंगे। डायरेक्ट कभी भी पोर नहीं करें, डायरेक्ट पोर करेंगे तो उस जगह से आपका कस्टर्ड थोड़ा सा उभर जाता है। आप हमेशा जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि एक स्पून की हेल्प से मैंने इसको पोर किया है, ऐसे ही इसको पोर करें। और जब तक जेली हमारी सेट होती है उसके ऊपर, तब तक मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर लिया है और उसमें एप्पल के स्लाइसिस करके मैंने यहाँ इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से इस कलर में कोट कर देंगे। इससे जो है हम अपने एक्वेरियम में प्लांट्स का लुक देंगे, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने प्लेन केक लिया था उसमें से थोड़ा सा जो बच गया था उसको मैंने यहाँ पे क्रम्बल्ड कर लिया है और यहाँ से अब मैं इसको सेंट का लुक देने के लिए इसकी पूरी बेस में अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप डाइजेस्टिव बिस्किट को भी जो है वो चूरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। अगर आप बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको बटर के साथ मिक्स करके यूज़ करें। अब जो मैंने एप्पल्स को कलर देके रखा था उससे हम यहाँ पे प्लांट्स का इफ़ेक्ट दे देंगे और थोड़ा सा इसमें कलर इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं अनार डाल रही हूँ, जिससे हमारे स्टोन्स का लुक आएगा। और यहाँ पे जो है बिल्कुल मेन पार्ट जो है वो है एप्पल की फिशेस। ये फिशेस मैंने एप्पल्स को कार्व करके बनाई हैं। आप चाहे तो स्टार फिश का भी लुक दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ऑक्टोपस का भी लुक दे सकते हैं, लेकिन फ़िश बनाना जो है वो सबसे इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़िश बना के प्रेजेंट किया है इसको। और स्टोन का कलर देने के लिए जो हमारे स्प्रिंकल्स होते हैं वो थोड़े से कलर के मैं यहाँ पर स्प्रिंकल शामिल कर रही हूँ।
ये हमारा एक्वेरियम बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना ये आई कैचिंग है। और आप जब इसको अपने मेहमानों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसको देख के हैरान ना हो। अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें, इसकी जो जेली की लेयर है वो इतनी ही थिक होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एक्वेरियम का लुक नहीं आएगा। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। इट्स सो डिलीशियस, बिलीव मी, इट्स सो डिलीशियस। इसको ज़रूर ट्राई करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।